उज्जैन जिले के गांव ढाबला के रहवासी युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके 3 दिन बाद युवक की मौत हो गई थी। इस घटना को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते करनी सेना ने कंट्रोल रूम का घेराव कर लिया है। सेना के द्वारा विगत दिनों एक अजय सिंह करके एक युवक थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। उनके साथ में 17 तारीख को ढाबला रहवारी में जो गांव के सरपंच थे, उनके पुत्र और शुभम करके हैं जो ढाबा संचालक है, और साथ में कुछ 8-10 लोग और थे जिन्होंने मारपीट की थी। उसके 2 दिनों के पश्चात उस प्रताड़ना से तंग आकर और उस युवक ने आत्महत्या कर ली थी। उनको उनका कहीं ना कहीं वीडियो बनाया गया और उनको प्रताड़ित करके, और ये कहा गया था कि अगर आप FIR दर्ज करवाएंगे तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। हालांकि वो वीडियो 19 तारीख के बाद में सोशल मीडिया पर और सभी जगह पर वायरल हो गया मारपीट का। उसके 2 दिनों के पश्चात उस युवक ने आत्महत्या कर ली। SP महोदय का हमने ज्ञापन देके और कहीं ना कहीं ये निवेदन किया है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने छोटी धाराओं में केस दर्ज करके और उनकी जमानत कहीं ना कहीं हो गई, और जमानत के बाद में वो अपराधी आज खुले में घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं उस केस को प्रभावित कर रहे हैं। तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा मांग की गई है कि बाद में 306 और 365 धारा बढ़ाई गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो अपराधी खुले में ना घूमे, उनकी पुनः गिरफ्तारी की जाए, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके पहले भी कुछ केस है तो उनके मकान तोड़े जाएँ और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष रूप से सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 2 या 3 दिनों के पश्चात आगर रोड पर चक्का जाम करेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। करनी सेना ने मामले में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है तो करनी सेना चक्का जाम और उग्र प्रदर्शन करेगी। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।